जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा है मायोकार्डिक इन्फार्क्शन. ये भी एक कार्डियोवास्कुलर डिसीज से रिलेटेड है, लेकिन मायोकार्डिक इन्फेक्शन का थोड़ा सा बस डिफरेंस ये है कि मायोकार्डिक ये वर्ड रिलेट होता है हार्ट टिश्यू से, यानी कि हार्ट के मसल से. मायोकार्डिक का क्या मतलब होता है? हार्ट मसल. उसके बाद होता है इन्फार्क्शन. इन्फार्क्शन का क्या मतलब होता है? टिश्यू डेथ. कि जब हार्ट के मसल्स की या टिश्यूज़ की डेथ हो जाती है तो इस डिसीज़ को हम क्या कहते हैं? मायोकार्डियक इन्फार्क्शन कहते हैं. ठीक है, अब इसके कुछ सिम्टम्स हैं, कुछ वजूहत हैं, और लास्ट में फिर हम इसके देखेंगे कि ट्रीटमेंट, इसका क्या ट्रीटमेंट है. सबसे पहले अगर हम इसके कॉजेज़ की बात करें कि मायोकार्डिक इन्फार्क्शन किस किस वजह से हो सकता है, किसके क्या है कॉजेज क्या हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसकी आती है ब्लड सप्लाई इंटरप्टेड. कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में तो सबसे पहले अगर इसकी वजह देखें तो क्या होता है कि जब आर्टरीज में से ब्लड फ्लो आ रहा होता है तो क्या होता है? ब्लड फ्लो इंटरप्टेड. कि किसी भी वजह से, चाहे क्लॉट बन जाए या नैरिंग ऑफ द आर्टरीज हो जाए, आर्टरीज हार्ड हो जाए, किसी भी वजह से क्या हो जाए, अगर ब्लड क्लॉट बन जाए तो ब्लड के फ्लो में क्या हो जाती है? इंटरप्शन हो जाती है. दूसरी इसकी वजह क्या है? डेथ ऑफ हार्ट टिश्यू. कि हार्ट के टिश्यू की क्या हो जाए? डेथ हो जाए. कि कोई भी हार्ट का टिश्यू है क्या हो, वो डेथ हो जाए, एक्टिव ना रहे, इनएक्टिव हो जाए, अपना काम करना छोड़ दे. ठीक है, और तीसरी वजह क्या है इसकी? हार्ट अटैक की जो मेजर कॉज है वो क्या है? ब्लड क्लॉट. कि आर्टरीज के अंदर क्या बन जाए? ब्लड क्लॉट, प्लाक फॉर्मेशन हो जाए, जैसे कि हमने आर्थरोसिस में पढ़ा था कि जो जब कोलेस्ट्रॉल के डिफरेंट मल्टीपल डिपॉजिट्स हो जाती हैं तो वो मिलके क्या बना देती हैं? ब्लड क्लॉट. तो ब्लड क्लॉट की वजह से क्या होता है? ब्लड की रेगुलेशन में क्या होती है? इंटरप्शंस होती हैं. ठीक है, ये होगी कॉजेज. उसके बाद हम इसके पढ़ते हैं सिम्टम्स के. जब ये मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है तो इसके क्या अलामात पेशेंट के से जाहिर होते हैं? कि पेशेंट आके बताता है कि मुझे ये होता है, तो देन ही हम डायग्नोज कर सकेंगे ना कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है या नहीं है. तो अगर हम इसके सिम्टम्स देखें तो सिम्टम्स में इसकी आती है स्वेयर चेस्ट पेन. कि सीने में उसके बहुत ज़्यादा दर्द होती है, खांसी करते हुए दर्द होती है, या कोई जब उल्टा लेटे तो जब चेस्ट के ऊपर उसके क्या पड़े, कोई प्रेशर पड़े, तो जिसकी वजह से क्या होता है? सीवियर चेस्ट पेन होती है. तो ये भी एक सिम्टम्स होती है किसकी? मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की. और क्या होती है? लेफ्ट एंड राइट आर्म में पेन होना शुरू हो जाती है, सारे बाजू में, यानी कि लेफ्ट आर्म और राइट आर्म में क्या होना शुरू हो जाती है? पेन होना शुरू हो जाती है. लोअर जोज में पेन होती है, लोअर जोज में पेन होती है, बैक में पेन होती है. ठीक है, तो ये सारे सिम्टम्स किसके होते हैं? मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के. और एक इसका सिम्टम है कि पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस, यानी कि बेहोश हो जाता है. ठीक है, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि बेहोश होते हैं, ये दिस अनकॉन्शियस एंड लीड्स टू द डेथ, कि ये डेथ की तरफ भी ले जाते हैं. अच्छा, ये होगी सिम्टम्स, ये होगी कॉजेज. अब लास्ट में हम इसके क्या पढ़ते हैं? ट्रीटमेंट. कि अगर ये मायोकार्डियल इन्फार्क्शन किसी पेशेंट को हमें डायग्नोज हुआ है तो उसको हम क्या कैसे ट्रीट करेंगे? सबसे पहले तो करेंगे हम उसके प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई देंगे. ठीक है, दूसरी बार अगर हम उसको जो टैबलेट देते हैं वो क्या है? एस्पिरिन. एस्पिरिन टैबलेट देंगे जो कि ग्लिसराइल नाइट्रेट की होती है. ठीक है, जिससे क्या होगी कि ऑक्सीजन सप्लाई सफिशिएंट होगी. अब इसके बाद एक दो इम्पॉर्टेंट इसकी ट्रीटमेंट्स हैं जिसे हम कहते हैं एंजियोग्राफी. ठीक है, क्या है? एंजियोग्राफी एंड एंजियोप्लास्टी. एंजियोग्राफी और एंजियो, ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि टोटली ऑब्स्ट्रक्टेड जो आर्टरीज होती हैं या जो नैरिंग ऑफ द आर्टरीज हुई होती है, उन आर्टरीज को क्या करता है? ओपन करता है, ताकि ब्लड फ्लो जो उनसे है वो ईजिली हो जाए. ठीक है, और जो दूसरा इसका इंपॉर्टेंट मेन ट्रीटमेंट है उसे हम कहते हैं बाईपास सर्जरी. ठीक है, बाईपास या सर्जरी कर देते हैं, जिसमें क्या होता है सर्जिकली एक हेल्दी पेशेंट से कि आर्टरीज या वेन में से कोई पोर्शन को डिटेक्ट करके ग्राफ्ट बेसिकली हम करते हैं. तो वो एक क्या होता है कि जो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है उसके अंदर हम ग्राफ्ट कर देते हैं, इसलिए जो पेशेंट होता है वो नॉर्मली क्या होता है कि उसकी हार्ट जो आर्टरीज हैं वो नॉर्मली वर्क करना शुरू हो जाती हैं. तो दिस ऑल अबाउट ऑफ योर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जिसमें क्या होता है मसल टिश्यू की डेथ हो जाती है,
हार्ट के मसल्स की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, जिसमें इसकी डिफरेंट कॉजेज है, सिम्टम्स है और लास्ट में क्या है इसका ट्रीटमेंट है. 1/4 ऑफ द मायोकार्डियल इन्फार्क्शन ऐसे होते हैं जो कि विदाउट सेंसेशन होते हैं. विदाउट सेंसेशन का क्या मतलब है, जो साइलेंट होते हैं. इसका क्या मतलब है कि वो पेशेंट को चेस्ट पेन नहीं होगी, जैसे जिनको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है. कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं कि जिनको चेस्ट पेन शोन नहीं होती लेकिन फिर भी उनको हार्ट अटैक हो जाता है. ये बहुत एल्डर लोग होते हैं उनमें शो होता है. तो दिस ऑल अबाउट ऑफ योर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन.